नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। अब समय हो चुका है मॉर्निंग बुलेटिन का। मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि परिजनों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने में पुलिस लगातार जुटी हुई नजर आ रही है। दूसरी खबर महाराजगंज से है, जहां पर निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 30 लोग उसके नीचे दब गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला, जिसमें से 2 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। मृतक मजदूरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में आसपास के स्थानीय लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की चपेट में आकर महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है जिस महिला की मौत हुई वह बैंक में पैसा जमा करने आई थी, तभी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं भारी संख्या में आसपास के लोग मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। पुलिस ट्रक और ट्रक चालक की लगातार तलाश करती हुई नजर आ रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर न्यू ईयर को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। किस तरीके से प्रशासन की तैयारी है, इसको लेकर आइए हम आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी ऐसा होटल या कोई भी पार्टी हॉल इत्यादि ना हो, जिसमें कि बिना परमिशन के लाइसेंस के शराब का सेवन कराया जाए, और सड़क पर कहीं भी उड़दंगई ना हो, कोई सड़कवाही ना हो, इसके लिए पर्याप्त ड्यूटी लगाई जाए, और शराब पी करके जो लोग भी ड्राइविंग कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये सभी तैयारियां यहाँ पे की जा रही है, स्थानीय स्तर पर मीटिंग भी की गई, और हमें पूरा विश्वास है कि न्यू ईयर का जो जश्न है वो लोग बहुत ही एक अच्छे वातावरण में। पांचवी खबर बागपत से है, जहां पर नेशनल हाईवे पर शराब की दुकान के सामने हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि यह हंगामा घंटों तक चलता रहा। शराब के शौकीनों का यह हंगामा देखते हुए आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं शराब व्यवसायी से पूछताछ भी लगातार जारी है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए और जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ।